अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं W26 स्मार्ट वॉच की, जो कि एप्पल वॉच सीरीज 6 पे बेस्ड है और सीरीज 6 का क्लोन है, जो कि एप्पल वॉच सीरीज 6 है वो रिसेंटली लॉन्च की गई है और ये उसी पे बेस है और उसी का ही क्लोन है और ये अभी तक की सबसे कम बैलेंस वाली स्मार्ट वॉच है। इसका बॉक्स आप देख रहे होंगे कि चेंज है, जो आपने वीडियोज देखी है, बट आई डोंट नो वाई इसका बॉक्स मुझे इसी तरह ही रिसीव हुआ है। और बॉक्स के ऊपर हमें यहाँ पे एक एप्पल वॉच का डायल मिला हुआ मिल जाता है एप्पल वॉच की तरह का, और साइड में हमें मिल जाता है दोनों साइड पे स्मार्ट वॉच की ब्रांडिंग मिल जाती है, बाकी कोई भी किसी तरह के भी स्पेसिफिकेशन वगैरह नहीं लिखी गई। और जो बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और एप्पल से आप कह सकते हैं इंस्पायर्ड है। तो वो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही जैसे कि एप्पल वॉच में हमें एक साइड पे हमें मिल जाते है हमारी वॉच, उसी तरह ही यहाँ पे हमें एक प्लास्टिक रैप के अंदर हमारी वॉच मिल जाती है। उसके अलावा हमें मिल जाते हैं सिलिकॉन स्ट्रैप्स जो कि ब्लैक कलर के हैं, सिलिकॉन के स्ट्रैप्स हैं। और उसके अलावा हमें मिल जाती है हमारी चार्जिंग केबल, डेट्स है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, और इसकी भी क्वालिटी की वगैरह के बारे में बात हम आगे जाया करते हैं। उसके अलावा बॉक्स के अंदर हमें मिल जाती है हमारी ये एक पेपर मैनुअल, ये आप देख सकते हैं ये हमारा पेपर मैनुअल है, और पेपर मैनुअल जो है वो चाइनीज़ एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेज में है। तो इसको भी इस पर भी हम देख लेते हैं कौन सी इसकी जो है एप्लीकेशन है। सो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर व्हाट्सएप करके इस वॉच को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारा रेफरेंस देंगे तो मे बी आपको कोई डिस्काउंट भी मिल जाए, तो चेक लाजमी। और अब हम अपने बॉक्स कंटेंट्स को साइड पर कर लेते हैं और आए थे अपनी स्मार्ट वॉच की तरफ। सो जो कंटेंट्स हैं उसको साइड पे करने से पहले मैं आपको इसकी एप्लीकेशन दिखा दूँ। जो इसकी एप्लीकेशन है वो फंडू है, जो कि इससे पहले हमने काफ़ी सारी वॉचेज में देखी है, तो इसके अंदर भी हमें फंडू जो एप्लीकेशन है वही मिलती है। तो इसको भी हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो रही है, ये है हमारा जो है वॉच डायल, इसको पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं। इस जो सिलिकॉन रैप है इसको हम ज़रा साइड पर कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ये है हमारे पास डायल। और डायल के अगर हम सबसे पहले टर्न ऑन कर लें, यहाँ पर हमें इंग्लिश लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें इंग्लिश और भी काफ़ी सारी लैंग्वेज है, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारी जो वॉच है वो टर्न ऑन होगी। सबसे पहले हम इस वॉच की जो डायमेंशन है उसकी बात करें तो जो इसके साइड्स हैं वो मैट फिनिश में, और बैक साइड पे ग्लॉसी लुक है, और जो बैक साइड पे है हमें यहाँ पे वॉच सीरीज 6 44mm एलुमिनियम एंड सिरेमिक केस का लिखा हुआ मिल जाता है, और उसके साथ ECG हेल्थ रेट हर्ट रेट और ब्लूटूथ वगैरह भी लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि मे बी कैमरा फोकस कर ले तो आप देख सकें। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें बाकी इस साइड की, तो इस साइड के पे हमें सिर्फ क्राउन मिल जाता है और एक अदर माइक मिल जाता है, और नीचे जो हमें जो बटन मिलता था वैसा बटन हमें इसमें नहीं मिल रहा। सो अगर हम इस वॉच के जो वॉच फेसेस हैं उसकी बात कर लें, तो इसके अंदर हमें जो वॉच फेसेस मिल जाते हैं तो वो आप देख सकते हैं सीरीज 6 से सीरीज 5 के भी काफ़ी सारे इसमें वॉच फेसेस हमें मिल जाते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये एक्स शेप में भी वॉच फेस हमें मिल जाता है। और बेजलेस डिस्प्ले है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर वाली साइड पे तो जो बेजल्स हैं वो बिल्कुल ही कम है, जबकि नीचे वाली साइड पे हमें थोड़े से बेजल्स वगैरह हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ऊपर वाली साइड पे बिल्कुल ऐसी ही फील आती है जैसे कि ये बेजलेस डिस्प्ले हो। सो जैसे ही हम इसको लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हैं तो हमें यहाँ पे एक्सरसाइज मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें वॉकिंग, रनिंग, हाइकिंग, बाइकिंग एंड बास्केटबॉल, बैडमिंटन और ये पिंग पोंग, फुटबॉल, ये ऑप्शंस कुछ मिल जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें ऊपर वाली साइड की, अगर हम स्वाइप करें तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें हमें कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, और मॉडल वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है, बैटरी हेल्थ मिल जाती है, हम यहाँ पे अलार्म का भी हमें ऑप्शन मिल जाता है। नीचे वाली साइड पर जो है वहाँ पर हमें QR कोड का भी मिल जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं QR कोड कहाँ कैसे अपनी वॉच से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कोई QR कोड का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर सामने मिल रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें स्टाइल्स हैं वो दो मिल जाते हैं, एक स्मार्ट स्टाइल है जैसे कि एप्पल वॉच के अंदर मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और दूसरा है वो है 9 फेसेस वाला आता है, वो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं दूसरा ये वाला है। और अगर हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करें तो ये कनेक्ट का भी हमें ऑप्शन दे रहा है, तो कनेक्ट यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर्स को देखने पहले हम इसको अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्ट करना है, और उसके बाद फिर हम बाकी जो फ्यूचर्स हैं उस पर नज़र मार लेंगे। तो सबसे पहले फंडू जो एप्लीकेशन है वो हमने इंस्टॉल कर लेनी है अपने फ़ोन के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ परमिशंस दे रहा है, वो उसको परमिशन को हमने अलाउ कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल जाता है सबसे पहले मी की अगर हम बात कर लें, मी में हमें यहाँ पे अपनी जो जेंडर वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पे हम अपना निक नेम, जेंडर, हेट, वेट और बर्थडे वगैरह यहाँ पे हम सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हमें स्टेप्स, किलोमीटर और कैलोरीज का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे हमें जो है
किलोमीटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा हम एनालिसिस में चले जाएँ तो एनालिसिस के अंदर हमें स्पोर्ट्स के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मिल जाते हैं, और उसके अलावा हमें स्लीप के भी मिल जाते हैं जिसमें हमें एवरेज टाइम और टोटल टाइम भी लिखा हुआ मिल जाता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे इधर दरमियान में आ जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर से हम शेयर कर सकते हैं, इस तरफ जाएँ तो यहाँ पे हमें स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, और दरमियान में जो है वो स्टेप्स है जिसमें आप देख सकते हैं कैलोरीज और एक्टिव टाइम और किलोमीटर वगैरह भी दिया गया है, स्लीप का भी है, हार्ट का भी है, ब्लड प्रेशर का भी हमें यहाँ पर मिल जाता है, और SP02 का भी मिल जाता है। इधर से हम जाके अपनी जो वॉच है उसको सिंक भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप देख सकते हैं एक्टिविटी रिपोर्ट और स्लीप रिपोर्ट, हार्ट रेट रिपोर्ट, ब्लड ऑक्सीजन रिपोर्ट, ब्लड प्रेशर रिपोर्ट, ये सारी हमें यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाती हैं। और अगर हम एंड पे चले जाएँ अपने मोर के ऑप्शन में, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिवाइस है उसको ऐड कर सकते हैं, दोबारा हमने ये जो परमिशन मांगेगा उसको अलाउ कर देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच 6 LE हमें हमारे पास लिखा हुआ आ गया है, इधर हम इसको पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्ट आना स्टार्ट हो गया है और ये वॉच जो है वो पेयर होने लग गई है, और ये आप देख सकते हैं वॉच पेयर भी हो गई है हमारी। तो सारी इसको परमिशन वगैरह दोबारा दे देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग्स हमें मिल जाती हैं, यहाँ पे आप कॉल, SMS, रिमाइंडर वगैरह सब कुछ सिलेक्ट, नोटिफिकेशन रिमाइंडर जो है वो सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उसके भी हमें मिल जाते हैं, जैसे कि दराज, फेसबुक गेम्स, फेस और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और इस तरह के बाकी भी GTA 5 वगैरह के, ये सारे यहाँ पे हमें जो है नोटिफिकेशन वगैरह हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसको बैक कर लेते हैं, यहाँ पे अब नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ECG डिटेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये वॉच में जाके हम इसको मेजर करेंगे, उसके बाद नीचे हम देख लें तो यहाँ पे हमें रिमोट शटर का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से अपनी वॉच की मदद से फ़ोन से पिक ले सकते हैं। और उसके अलावा हमें यहाँ पे ब्लूटूथ कॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं कनेक्शन डिवाइस, इसको गोट इट स्टार्ट सेटिंग अप इसको हम सेट कर लेते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे हमें फाइंड डिवाइस का भी ऑप्शन मिल जाता है, और वो आप देख सकते हैं इसमें जो स्पीकर है वो रिंग भी कर गया है, अब आपको शायद आवाज़ आ रही हो और किस तरह के स्पीकर की क्वालिटी है यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। और उसके अलावा हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे हमें मिल जाती है यूनिट सेटिंग भी हमें मिल जाता है, जिसके अंदर हम जो यूनिट्स हैं उसको मेट्रिक इंच, जो टेम्परेचर है उसको सेल्सियस और फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यूज़र गाइड और अबाउट मिल जाता है, और कोई इसमें मोर ऑप्शन नहीं है। और यही थे इस एप्लीकेशन के जो भी फ्यूचर से वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी जो वॉच के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम अपनी वॉच की तरफ चले जाते हैं और जो अपनी एप्लीकेशन है उसको ज़रा साइड पे रख लेते हैं। तो वॉच में सबसे पहले हमने अलार्म की बात की थी, तो ये देख सकते हैं अलार्म भी हम यहाँ पे जो टाइम है और उसको रिपीट अलार्म टोन भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 3 रिंग्स मिल जाती हैं, तो मैं आपको तीनों बारी बारी चेक करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम यहाँ पे अलार्म और ये जो रिंग ओनली है इसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और टाइम वगैरह भी यहाँ से हम इसको सारा कुछ सेलेक्ट कर, अलार्म यहाँ अपनी वॉच से ही लगा सकते हैं, हमें एप्लीकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमें जो ऑप्शन मिल जाता है वो मिल जाता है कैलेंडर का, और यहाँ से आप देख सकते हैं कैलेंडर वगैरह भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमें म्यूज़िक कंट्रोल्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो अगर हम यहाँ पर अपने साउंड कंट्रोल्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम जो अपनी वीडियो है अपनी वॉइस से इसको हम प्ले या पॉज भी कर सकते हैं, और जो इसकी जो वॉइस है उसको भी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो सॉन्ग है वगैरह है जो भी म्यूज़िक वगैरह है उसको भी हम यहाँ से नेक्स्ट या बैकवर्ड कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, मोस्टली वॉचेज में हमें ये फ्यूचर भी मिल जाता है। और जो उसके बाद हमें जो नेक्स्ट फ्यूचर मिल जाता है वो हमें मिल जाता है यहाँ से हमें टेक पिक्चर, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये जो हमारी जो कैमरा की एप्लीकेशन है वो ओपन हो गई है, और जैसे ही मैं इस पर करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे फोटो जो है वो सेव हो जाएगी हमारी। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसके कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो ये आप देख सकते हैं ये स्टॉप वॉच है, यहाँ से हम इसको स्टॉप वॉच को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मिल जाता है, कैलकुलेटर के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें नीचे रेस टू वेक वगैरह जो है गेस्चर जिसको आप कह लें, तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जितने भी मोशन गेस्चर्स वगैरह यहाँ से आपको सारे मिल जाते हैं। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल जो आप, इसके बाद फ्लिप टू म्यूट अलार्म, वेकअप गेस्चर भी हमें इसमें मिल जाता है जिसके में रेस टू वेक जिसको आप कह सकते हैं, इसको भी हम टर्न ऑन कर लेते हैं। शेक करेंगे तो जो है वो आंसर कॉल कर लेगा। और इतनी खास इसके जो वो फीचर नहीं लगा, ये हमें एक दफ़ा ऐसा भी होना चाहिए कि भाई हम कर सकें कि भाई हमने इस स्पीकर में से सुननी है आवाज़ या सिर्फ हमने डायरेक्ट अपने जो फ़ोन है उसमें सुननी है, क्योंकि अक्सर हम काफ़ी सारे दोस्तों वगैरह में बैठे होते हैं तो फिर जब इसमें से आवाज़ जाए और आए तो वो काफ़ी ऑकवर्ड सी चीज़ हो जाती है। हाँ, उसके बाद अगर हम ABC की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो सिंक लैंग्वेज और नेम डिस्प्ले वगैरह ये हमें मिल जाता है। हाँ, उसके बाद हमें जो सेटिंग्स है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो ऑप्शन हैं वो मिल जाते हैं। सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें मिल जाते हैं ब्लूटूथ सेटिंग भी हमें मिल जाती हैं, क्लॉक भी मिल जाते हैं, न्यू नोटिफिकेशन ब्राइट भी हमें मिल जाते हैं जिसको हम नोटिफिकेशन आए तो जो आपकी स्क्रीन है वो ऑन हो या ऑफ हो उसकी जो सेटिंग है वो सारी यहाँ से ही हमें मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमें साउंड का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हम वाइब्रेशन ओनली या रिंग टोन भी वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन टोन भी हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी जो तीन हमें रिंग टोन वगैरह मिलती हैं और इसको भी हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हमें यहाँ पे वॉल्यूम का भी ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम जो है वो भी हम इसको रिंग टोन नोटिफिकेशन वगैरह उसका भी जो वॉल्यूम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम लेवल है वो इसका 6 है और यहाँ पे आप इसको 1, 2, 3, 4 जैसे आप चाहें इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें जाए डिस्प्ले की तो डिस्प्ले के अंदर हमें जो स्ट्राइज हैं वो मिल जाते हैं, ब्राइटनेस भी हम इसकी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ब्राइटनेस का भी कम ज़्यादा करने का हमें ऑप्शन मिल जाता है। और उसके अलावा हमें यहाँ पे नीचे देखें तो हमें स्क्रीन टाइम आउटपुट का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि मैंने 60 सेकेंड किया हुआ है, जो कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड जिसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगी। उसके बाद यूनिट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, रीसेट और अबाउट, यही हमें कुछ सेटिंग में है जो ऑप्शन मिल गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंक विद फोन और माई नेम का फोन बुक का ऑप्शन आ जाता है, तो फोन के साथ सिंक करेंगे जो फोन के सारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट है वो डायलर मिल जाता है, यहाँ से अपने जो फ़ोन से हम जो है वो डायल भी कर सकते हैं, जो है फ़ोन से ये आप देख सकते हैं डायल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका जो है वो फ़ोन का कनेक्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पे हमें कार लॉक्स का भी सारा ऑप्शन मिल जाता है, कार लॉक्स के बाद हमें यहाँ पे मैसेजेस का भी ऑप्शन मिल जाता है, मैसेजेस के साथ नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, ब्लूटूथ का भी ऑप्शन मिल जाता है जो आप देख सकते हैं जिसके साथ हमारी कनेक्टेड होगी कनेक्ट करनी होगी। स्टेप्स मिल जाते हैं जो कि 43 स्टेप्स हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो स्मार्ट स्टाइल और 9 ऐप्स है ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है एंटी लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से इसके आगे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे हमें मिल जाता है स्लीप मॉनिटर का भी ऑप्शन मिल जाता है, हार्ट रेट का ऑप्शन मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं ये जो है हार्ट रेट है वो मेजर होने लग गया है। एंड तो भाई साहब जो हार्ट रेट है वो बगैर किसी रिस्ट के मेजर हो रहा है, हवा का हार्ट रेट है वो मेजर हो रहा है। तो जैसे ही हवा का हार्ट रेट मेजर हो जाता है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या रिजल्ट आए हैं। तो जो हार्ट रेट है वो 88 आया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे ECG का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो इनको इनकी जो एक्यूरेसी की बात है वो हम एंड में जारी करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो सीट रिमाइंडर है वो भी हमें मिल जाता है। उसके बाद ये जो हमें मिल जाते हैं स्पोर्ट्स के मोड्स हैं ये सारे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद ये जो QR कोड का ऑप्शन भी हमें मिल जाता था पहले ही मैंने आपको दिखा दिया था। और उसके अलावा यहाँ पे हमें जो है टेम्परेचर का भी मिल जाता है, टेम्परेचर के अलावा जो ब्लड प्रेशर है उसका ऑप्शन मिल जाता है। एंड इसके अगर हम बात करें तो ये वही ऑप्शन है जो कि मैंने आपको पहले बता दिए हैं। जो इसके मुझे हार्ट रेट ब्लड प्रेशर वगैरह के जो सेंसर वगैरह लगे हैं वो मुझे पता नहीं क्यों एक्यूरेट नहीं लगे, बल्कि मुझे किसी भी वॉच है मैं आपको पहले ही भी बताता हूँ कि आप किसी भी वॉच पे रिलाई ना करें। तो इसके लिए अगर आप प्रॉपर इक्विपमेंट वगैरह ले लेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। जो इसका जो टेम्परेचर है वो भी मुझे एक्यूरेट नहीं लगा, टेम्परेचर भी बस जो टेम्परेचर वाला सेंसर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है वो भी एक्यूरेट मुझे नहीं लगा, वो भी बस ऐसे ही आप समझ लें। स्टेप्स के अगर फाइनल और वर्डिक्ट की बात करें तो जो स्टेप्स हैं वो मुझे प्रीटी मच एक्यूरेट लगे हैं, जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है, स्पीकर की जो क्वालिटी है वो एवरेज है, मुझे इतनी कोई खास नहीं लगी। थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको या तो कान के पास लेके जाके सुनना पड़ेगा, मतलब अगर आप शोर वाले इन्वायरमेंट में हैं तो आपको इतनी क्लियर आवाज़ नहीं आने वाली। बाकी नोटिफिकेशन वगैरह वो हमें सारे मिल जाते हैं, हम यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं, माइक्रोफोन भी हमें मिल जाता है। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और यही था इसका डिटेल रिव्यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।